हेलो दोस्तों, तो आज हम बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन छातों को खोलकर हम भरेंगे इन छातों में पानी और फिर देखते हैं कि इन छातों में आखिर कितना पानी बन पाता है। इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं छाता कितना ज़्यादा बड़ा है और आप नापेंगे ना साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है छाते का। तो आज हम क्या है, इसमें पानी भरेंगे इन छातों में और फिर देखते हैं कि किस छाते में कितना पानी बन पाता है। इस मे बी 10 लीटर 20 लीटर, तो जितना बनेगा उतना मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखते रहना आगे तक। तो देखिए ये कितना बड़ा छाता है, अगर आप देखें कम से कम यार आराम से 20 या 30 लीटर तो आराम से बनेगा बनेगा। और देखिए हम क्या करेंगे, इससे क्या ना अगर हम छाते में पानी भरकर हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं कौन सा छाता कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना ज़्यादा पानी उठा सकता है। इससे क्या उसकी मजबूती भी चेक हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन सा छाता कितना ज़्यादा पानी भरकर उठा सकता है अपने आप को। क्या बोला तूने? मतलब मैं ही उठाऊंगा और कोई नहीं उठाएगा। देखिए हमारे पास कई प्रकार के छाते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक ये वाला छाता है 12 तान का, और देखिए एक आता है ये 8 तान का, और ये वाला देखिए सबसे मजबूत है ये 16 तान वाला, और एक आता है बच्चों वाला आप जानते ही होंगे, और ये लेडीज में चलता है सबसे ज्यादा, सब में चलता है तो ये समझ लीजिए ज्यादा, लेकिन लेडीज ही यूज करती है। बाकी सबसे ज्यादा सीधा तो सबसे ज्यादा चलने वाला छाता है ये वाला, मुझे जानकारी इसलिए क्योंकि मेरे पापा सीएन पे क्या छाते का काम करते हैं, तो मुझे इसलिए जानकारी है। तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट बाहर करेंगे, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पूरा सेटअप बना लिया है, इस पर हम टेस्ट करेंगे कि किस छाते में कितना ज़्यादा पानी बनता है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले छाते को चेक करेंगे, और मैंने क्या इसका 8 तान वाला छाता लिया नहीं है क्योंकि क्या दोनों को साथ एक ही है, तो लेने से कोई मतलब नहीं क्योंकि पानी दोनों में एक ही जैसे बनेगा। और देखिए हमने 1 लीटर वाली बाल्टी ले ली है, एक है 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें से हम अपने आपके डालते जाएंगे। बाकी दो टब है, इसमें भी देखिए 10-10 लीटर वाले हैं, मतलब मैंने 10-10 लीटर इसमें पानी डाल दिया है दोनों टबों में, तो हम इसके द्वारा नाप के डाल देंगे। तो पहले हम छाते को लगा लेते सेट। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने लगा लिए हैं, इसको क्या नीचे इसके नीचे क्या हमने ईंट लगा दी है, तो क्या अभी इधर उधर को लुढ़के नहीं। तो दोस्तों पहली बार जब हमने पानी भरा तो क्या वो टेढ़ा हो गया, उस वजह से लुढ़क गया, तो हम दूसरी बार भरने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से आराम से 10 लीटर तो जाएगा ही जाएगा। तो आप देख सकते ये देखिए ऐसा कुछ होता है, छाते कभी भी इतने मजबूत नहीं होते कि वो पानी को सह लें, मतलब पानी पूरा भर ही नहीं पाया उससे पहले निकल गया। बाकी ट्राई करते हैं, देखिए इतना पानी इसमें भर चुका है, तो हम इसके द्वारा उठाने का प्रयास करते हैं क्योंकि अब हम दूसरे छाते ट्राई करते हैं। ठीक है पहला तो हमारा ट्राई हो गया, इसमें पानी बना ही नहीं, बन गया तो वो लुढ़क गया टेढ़ा हो गया। देखते बड़े वाले ट्राई करते हैं एक बार और, बाकी मुझे लग रहा था यार इसमें तो बनेगा। तो आपने देखा था कि मैंने इस छोटे वाले छाते में 8 लीटर पानी पहले डाल दिया था, तो इसमें अप्रॉक्स 20 लीटर पानी बन सकता है छोटे वाले छाते में। तो चलिए बड़े वाले छाते से ट्राई करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा छाता जो कि है बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। सबसे बड़ा छाता ये वाला हमारा, इसके लिए तो देखो ईंटों को भी बदलाव करना पड़ेगा। ये देखिए हमने ईंटें लगा ली हैं, तो बस अब हमें डालना रह गया पानी। ये देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये हमारा। नहीं नहीं ओ हो ओ हो, समझ रहे हो ना, मतलब यार हमारे बाढ़ आ गई, यही कह रहा हूँ। क्या बोला तूने? तो आप कभी भी छाते में पानी नहीं भर सकते, चाहे कुछ कर लीजिए, चाहे मजबूत से मजबूत छाता ले आइए, ये ऐसे होते हैं छाते। ये देखिए इसमें देखिए कम से कम पानी है, तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं फिर उठाने का प्रयास करेंगे, उठता है कि नहीं उठता है, कितना मजबूत है ये छाता। मुझे चल रहा था कि बिल्कुल ही मजबूत है। ओ ओ ओ ओ ओ यार कल कैसी बाढ़ है, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। ये देखिए इसको भी नहीं उठा सकते आप, देखिए कितना ज़्यादा भारी है। तो आपने देखा कि मेरे 10 लीटर पानी डालने पर छाते को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इस छाते में आराम से 40 लीटर पानी बन सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 40 लीटर पानी कितना ज़्यादा होता है, करीब करीब 4 बाल्टी के बराबर। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बना है, इसमें भी मैंने भरने की कोशिश की, पर क्या सिचुएशन ठीक नहीं सीधा तो, क्योंकि अगर कोई अगर ऐसे डांट लेना छाते को तो पानी इसमें बन सकता है, लेकिन हर जगह से डांटना पड़ेगा, लेकिन उसका फिर मतलब क्या हुआ, जब छाता सही नहीं पा रहा तो फिर डांटने से मतलब ही क्या हुआ। बाकी आपने देख लिया इसमें पानी नहीं बना, तो ये भी फैल रहा, ये तो 12 तान का था, 8 तान का तो मैंने लिया ही नहीं, पता नहीं क्या होता, वो तो पहले ही सांस छोड़ देता, उसकी वो पहले निकल जाती है, पूरी गीली हो चुकी है। उसमें क्या नीचे पानी निकला हुआ ना, छाता ही वाटर प्रूफ नहीं होते, उसमें क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सिलाई के लिए छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं जो कि होते हैं सभी छातों में, चाहे महंगे से महंगा हो। तो देखिए अब हम ट्राई करेंगे इस छाते के साथ जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है लेडीजों में। ये देखिए शायद इसमें बन जाए, देखते हैं जो आपके सामने हुआ, तो देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए पानी भरकर ले आता हूँ, पूरी तीनों टब खाली हो चुके थे, तो अब मैं नया लाया हूँ भरकर। बाकी क्या पानी गंदा है, तो हम इसको यूज में ले रहे हैं क्योंकि क्या हमें और साफ करनी है, तो उसका पानी बगराना ही है, तो मैंने सोची कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मुझे पता है कि थोड़ा अजीब सा लगा होगा, मुझे खुद अजीब लग रहा है, शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए मतलब पहला टब ये भी मतलब उल्टा हो गया, मुझे लग रहा था कि ये वाला तो सही लेगा, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ कुछ नहीं, अल्लाह को कुछ पकड़ लेना तो सही, पूरा काम हो जाता,
पर ये भी टेढ़ा हो गया, ये भी नहीं सह पाया पानी की वजन को। बाकी से बता रहा हूँ, अगर हमसे पानी भर लेना तो आराम से इसमें 20 या 25 लीटर पानी बनता है। जो ब्लैक वाला छाता देखा था ना 12 टन का, उसमें आराम से 40 लीटर पानी बनता। पर क्या करें, वो टेढ़ा हो जाते हैं तो हम उसे पानी भर ही नहीं पाते, और सपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं, और ये उठने नहीं वाले, छाते छाते ही रहेंगे। अब वो पैराशूट तो ही ना है, इतनी हमें इससे आशा थी, आशा तो मुझे बहुत थी कि पानी बन ही जाएगा, पर पानी बना ही नहीं। सेम कैसा लगा जादू आपको? तो दोस्तों आप देखिए, लास्ट वाला छाता है, 16 टन का छाता है, जो कि वैसे सबसे मजबूत है और सबसे महंगा आएगा देखा जाए सभी छातों के मुकाबले। तो अब इसके साथ ट्राई कर लेते हैं। और इसकी डंडी ना ये प्लास्टिक की आती है, क्योंकि क्या है, इस पर जंग नहीं लगती, उसका कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे से तुम दे, और छातों के मुकाबले। एक टब और भर लाया हूँ पानी, बाकी मुझे लगता नहीं है कि ये भी सेफ आएगा। और जैसा मैं देखिए, ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है, तो हम क्या थोड़ा पानी करके फिर उठाने की प्रयास करेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे 10 लीटर पानी डालने के बाद देखी थी कितना पानी लग रहा है, 10 लीटर डाला मतलब 7 लीटर डाला होगा, क्योंकि थोड़ा बगड़ भी गया उसमें से, मतलब उठा तो सकते ही नहीं आप पानी भरकर, आप किसी छाते को उठा तो सकते नहीं है, तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये किसी हालत में इतनी मजबूत नहीं है कितनी ज़्यादा पानी का वेट सह सके। ये इसमें आराम से पानी भर दूंगा ना तो 30 से 35 लीटर पानी बनेगा, और 35 लीटर पानी बहुत होता है, और इनकी तान इतनी ज़्यादा मजबूत है नहीं है कि इतना वजन सह सके। तो दोस्तों आप ऐसा ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अपने इसके ऊपर छाता आपका ही होगा, पानी भी आपका होगा, टूटे फूटे वो आपकी गारंटी। मज़ा सही था, मज़ा उतना नहीं आया, मुझे लग रहा था कि पानी भरेंगे उठाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और उतना मज़ा नहीं आया। फिर भी मज़ा तो आया कि हमने ट्राई कर लिया कि छाते में पानी भर सकते हैं या नहीं। बाकी मैंने देख 4 छातों के साथ वो ट्राई करके बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं जानता हूँ कि वीडियो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी हम सोच रहे थे, और फिर भी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।